नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग देख पाएंगे कि ऋषि और लक्ष्मी के बीच में एक बात को लेकर इस समय झगड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि ऋषि बोलता हुआ नजर आ रहा है कि लक्ष्मी तुम्हारे लिए विक्रांत सही नहीं है, लेकिन लक्ष्मी ने बोल दिया है कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है इस चीज़ का फैसला मैं खुद कर लूँगी, आपको इस चीज़ में दखलअंदाजी देने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। आप लोग जानते हैं कि इस समय सभी लोग बेहद ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं। हालांकि बात की जाए इस समय की बड़ी अपडेट की, तो लोगों को पता है कि कब क्या कैसे और क्यों करना है, और वहीं पर ऋषि की मॉम नीलम भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, और नीलम का कहना यह है कि किसी भी तरीक़ा से ये दोनों जो कि एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऋषि का दिल पसीज जाएगा लक्ष्मी के लिए, और वो ही ये नहीं चाहती हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए वाकई में एक बार फिर से नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है। बात की जाए इस समय की बड़ी अपडेट की, तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलने वाला है कि मलिष्का बोलती हुई नजर आएगी ऋषि से कि ऋषि लक्ष्मी की ज़िंदगी बने या बिगड़े इस चीज़ से तुमको क्या लेना देना है, क्योंकि अगर विक्रांत धोखा भी दे रहा है तो वो तुम्हें तो दे ही नहीं रहा, तो तुम क्यों इस चीज़ में पड़ रहे हो। जिसके बाद में बोलता हुआ नजर आने वाला है ऋषि, वो भी मलिष्का से कि मलिष्का अपनी औकात मत भूलो और ये मत भूलो कि लक्ष्मी मेरी वाइफ रह चुकी है और उसका भला और बुरा मुझे खूब अच्छी तरीके से पता है, तो आप इंटरफेयर मत करो। आप लोग जानते हैं कि मलिष्का का बहुत गंदे तरीक़े से पानी उतारता हुए भी नज़र आने वाले हैं ऋषि ओबेरॉय, क्योंकि ऋषि एक ऐसे शख्स हैं जो वाकई में एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी इंडिविजुअलिटी है, जो वो हमेशा अपना फैसला लक्ष्मी के फेवर में ही लेंगे, क्योंकि लक्ष्मी का वो पूरी अच्छी तरीक़े से ध्यान रख रहे हैं ताकि लक्ष्मी को आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो इस शादी को टालते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं।